हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय दुजा। विंटर में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कंपलसरी आप लोगों के घर में होनी चाहिए अगर आपके घर में छोटा बच्चा है? विंटर केयर एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे लेना चाहिए, हीटर यूज़ करना है नहीं करना है, उसके बारे में हम लोग ऑलरेडी वीडियो कर चुके हैं, जो वीडियो मैं यहाँ पर लिंक कर रही हूँ वो वीडियो एक बार देख लेना। अब जानते हैं बच्चे के लिए एग्जैक्टली कौन सी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए अगर आपके घर में बच्चा है और वो भी विंटर सीजन में। फर्स्ट थिंग जो आपके पास प्रेफरेबली होना चाहिए, होममेड मक्खन या होममेड बटर। होममेड बटर बच्चे की स्किन को बहुत अच्छा नरिशिंग इफेक्ट देता है, तो ये एक चीज़ प्रेफरेबली आपके पास होनी चाहिए। सेकंड थिंग, आपको आपके डॉक्टर से बात करके कुछ ऐसी दवाइयाँ हमेशा घर पर रखनी है जो बच्चे के लिए कभी मिडनाइट बच्चे को तकलीफ हुआ, कभी सडनली बच्चे को तकलीफ हुआ तो यूज हो सकता है। जैसे बच्चे को अगर ब्लॉक नोज है तो बच्चा ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए नेजोमिस्ट करके एक ड्रॉप्स आता है जो यूजुअली ओवर द काउंटर मेडिसिन है, जो अगर कुछ ड्रॉप्स, इट्स लाइक अ सलाइन ड्रॉप्स, कुछ ड्रॉप्स अगर बच्चे के नाक में डाल दो और अगले 15 मिनट में अगर आप लोग बच्चे को फीड कराते हो तो बच्चा बहुत ईजिली फीड कर पाएगा। उसके साथ आप लोगों को कुछ ऐसे मेडिसिन भी आपके डॉक्टर से पूछ के रखने हैं, जैसे अगर बच्चा कफ करता है या सर्दी करता है या बुखार आता है तो इमरजेंसी बेसिस पे आपको क्या करना है, और जैसे ही फर्स्ट टाइम आपको डॉक्टर को विजिट करना पॉसिबल है तो आप लोगों को कभी जाके डॉक्टर को विजिट करना है। नेक्स्ट थिंग, बुखार। सर्दियों के सीजन में आपको बहुत कॉमनली ऑब्जर्व होगा कि बच्चे का बॉडी थोड़ा वार्म होता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप लोगों को बॉडी वार्म नहीं करना है, मतलब बहुत सारे लोग बच्चे को अंदर बनियान पहनाते हैं, उसके ऊपर ड्रेस पहनाते हैं, उसके ऊपर स्वेटर पहनाते हैं, उसके ऊपर बहुत थिक वूलन वाला कैप पहनाते हैं, उसके ऊपर एक मोटा सा ब्लैंकेट बच्चे के ऊपर डाल देते हैं, बिकॉज सोचते हैं कि बच्चे को हम लोग जितना गर्म करेंगे ना उतना बहुत अच्छा। बच्चे को तुम लोग जितना ओवर कवर करोगे उतना बच्चा और भी गर्म फील होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो आप लोगों को याद रखना है, बच्चे को टू मेनी लेयर्स नहीं पहनाना है या बच्चे को टू मेनी लेयर्स से कवर नहीं करना है विंटर सीजन में। तो बुखार को लेके आप लोगों को याद रखना है, कभी भी बच्चे के बॉडी को टच करके नहीं बोलना है कि बच्चे को बुखार है। आप लोगों के पास प्रिफरेबली इलेक्ट्रिक थर्मामीटर होना चाहिए। थर्मामीटर से आप लोग चेक करते हो, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर अगर टेम्परेचर है तो आप लोग बोल सकते हो कि बच्चे को बुखार है। 99.4 भी बुखार नहीं है, ओके? बट आपको लगता है कि बच्चे का बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म लगता है तो बच्चे को कभी भी ठंडे पानी की पट्टियाँ नहीं करता, तो आप लोगों को प्रिफरेबली बच्चे के लिए एक बहुत सॉफ्ट कॉटन मलमल की एक स्ट्रिप बना के घर में रखनी है। जैसे अगर कभी लगे कि बच्चा वार्म है या बच्चे को फीवर आ रहा है तो गुनगुना पानी करना है, उसमें थोड़ा सा नमक डालना है, उसमें आप लोगों को ये स्ट्रिप डिप करना है, माइल्डली उसको स्क्वीज करना है और बच्चे के सिर के ऊपर पट्टियाँ रखनी है। और अगर आपको लगता है कि नहीं आप डॉक्टर के पास ही जा रहे हो बट अभी बच्चे का टेम्परेचर 101 या 101.5 है तो इतना गर्म बच्चे को लेकर ट्रैवल करना इज़ नॉट एडवाइजेबल, आप लोग घर पर गुनगुना थोड़ा सा नमक डाला हुआ पानी से बच्चे को स्पॉन्ज कर सकते हो। स्पॉन्ज करते ही बच्चे का टेम्परेचर 1 या 1.5 से कम हो जाएगा, फिर आप लोग बच्चे को लेके जाओ, दैट्स ऑलवेज एडवाइजेबल। नेक्स्ट थिंग, अगर कभी भी बुखार लगता है तो डॉक्टर के पास जाते वक्त एक चार्ट बना के लेके जाओ, कितने बजे कितना टेम्परेचर, कितने बजे कितना टेम्परेचर, और ये दो टाइमिंग के बीच में क्या आपने कोई दवाई दिया है, क्या आपने स्पॉन्जिंग किया है, क्या आपने पट्टियाँ रखी हुई है, तो उससे डॉक्टर को आपके बच्चे को स्पेशली विंटर सीजन में ट्रीट करना बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट थिंग, बच्चे के आसपास की चीज़ें बहुत क्लीन रखो। तो आपके पास प्रिफरेबली वैक्यूम क्लीनर होना चाहिए जिससे आप लोग बहुत छोटी छोटी जो धूल होता है आसपास वो बहुत अच्छे से क्लीन कर सको। नेक्स्ट थिंग, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले वीडियो में बात किया था, यू मस्ट यूज़ ह्यूमिडिफायर। आपके घर में अगर ह्यूमिडिफायर है तो एलर्जिक कफ, रूटीन ब्लॉक नोज, कंजेशन, ये चीज़ें काफ़ी हद तक बच्चे के लिए कम हो सकती है। तो आप लोगों के घर में ह्यूमिडिफायर और प्रिफरेबली वैक्यूम क्लीन, ये चीज़ें होनी चाहिए ताकि आप बच्चे के आसपास का एरिया बहुत अच्छे से क्लीन रख सको। नेक्स्ट थिंग दैट यू कैन हैव इनसाइड योर हाउस इज यूकलिप्टस ऑयल, दैट्स नीलगिरी का तेल। आप लोग बच्चे को नहलाते वक्त उसमें अगर 1 या 2 ड्रॉप नीलगिरी का तेल पानी में डाल सको तो इससे बच्चे को कंजेशन, कफ, ब्लॉक नोज ऐसी तकलीफें बहुत कम होती है।
विंटर सीजन में मॉस्किटोज होते हैं आसपास, तो मॉस्किटो बाइट भी कम होने में हेल्प होता है, तो यूकेलिप्टस ऑयल घर पे होना कैन बी रियली हेल्पफुल. नेक्स्ट थिंग, बादाम का तेल. बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं तिल का तेल, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल अगर हम लोग यूज़ करें तो. विंटर सीजन में जो तेल सबसे बेस्ट है इस बादाम का तेल. अगर आपको लगता है नहीं आई प्रिफर ऑलिव ऑयल या आई प्रिफर तिल का तेल, देन प्रिफरेबली गो फॉर कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑयल्स, जैसे बादाम का तेल, तिल का तेल, कोकोनट ऑयल, ऐसे मिक्स करके कॉम्बिनेशन बच्चे के लिए यूज़ करो, बिकॉज हर तेल अपने आप में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है. मायदूजा का तेल तो है ही. अगर आप लोगों में किसी को आपके बच्चे के लिए मायदूजा बेबी ऑयल यूज़ करना है तो आप लोग वो भी बेबी ऑयल यूज़ कर सकते हो. उसको आप ऑर्डर कर सकते हो www.maiduja.com. तो बादाम का तेल घर पे होना इज़ वेरी मच रिकमेंडेड. वैसे भी आप लोग को बच्चे की नेवल में और नेवल के आसपास के एरिया में हर रोज़ रात को सोते हो बादाम का तेल लगाना है थोड़ा सा. उससे बच्चे का ड्राई स्किन कम होने में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है. नेक्स्ट थिंग जो हम सब लोगों को कंपलसरी देखना है, बच्चे के कंजेशन, ब्लॉक नोज और सर्दी को लेके देर आर एक्यूप्रेशर टेक्निक्स. तो आप सब लोगों के घर में अगर विंटर में बच्चा है तो आप लोगों को वो वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. वो वीडियो मैं यहाँ पर लिंक कर रही हूँ, वो वीडियो पक्का देखना. इट्स कॉल्ड नॉलेज अपग्रेडेशन. कुछ चीज़ें आप लोगों को एज अ होम रेमेडी पता होनी चाहिए ताकि आप लोगों को आगे चल के कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट थिंग जो आपके पास होना चाहिए, प्योर कॉटन का बेबी रैपर. सो ये प्योर कॉटन का बेबी रैपर है, एडी बेबी रैपर है. आप लोग लंबे वाले जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हो. सो स्पेशली नहलाने के बाद या बच्चा जब भी लॉन्गर स्लीप में है तभी कुछ ऐसा चीज़ जो पाउच की तरह बच्चे का पूरा बॉडी बहुत अच्छे से अंदर है, बच्चे को आप लोगों ने बहुत अच्छे से कवर कर लिया, ये प्योर कॉटन का है तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. नेक्स्ट चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए इस हेड कैप्स. प्लीज़ हेड कैप्स भी ऐसे मतलब और वूल के 24 घंटे बच्चे को हेड कैप में रखा हुआ है दैट्स नॉट एडवाइजेबल. जब भी आप बच्चे को सन बाथ देते हो, मतलब बच्चे को जब भी धूप में रखते हो तभी हेड कैप की ज़रूरत नहीं है. जब भी एनवायरनमेंट थोड़ा सा वार्म है तभी हेड कैप की ज़रूरत नहीं है. द वे आई सेड, बच्चे को गर्म करने के पीछे मत पड़ो, सराउंडिंग को कम्फर्टेबल करने के पीछे पड़ो, तो इट्स ऑलवेज हेल्पफुल फॉर बेबी, तो उससे बच्चे को तकलीफ नहीं होगा. ओके, नेक्स्ट थिंग जो आपके पास होना चाहिए, गुड क्वालिटी ऑफ मिटन्स और सॉक्स. ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट चीज़, जो भी बच्चे के लिए खरीदो स्पेशली डाइपर्स. डाइपर्स अगर आप लोग यूज़ कर रहे हो तो बायोडिग्रेडेबल डाइपर्स यूज़ करो. अगर आप लोग डाइपर्स यूज़ नहीं कर रहे हो तो यू कैन शिफ्ट टू क्लॉथ डाइपर्स. और डाइपर्स बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है. यस, वो भी 3-4 घंटे में आप लोग को चेंज करने पड़ते हैं. डाइपर्स के क्या क्या ऑप्शन है, अगर आप लोग बहुत ठंडी जगह पर रहते हो 24 आवर डाइपर आपके दिमाग में है तो उसके रिलेटेड वीडियो भी मैं लिंक कर रही हूँ, वो एक बार देख लेना. बट अभी के लिए कुछ बेसिक चीज़ें जो आप लोग को पता होनी चाहिए कि प्रिफरेबली डाइपर यूज़ मत करो. अगर डाइपर यूज़ कर रहे हो तो दो डाइपर के बीच में 15 मिनट के लिए बच्चे का वो एरिया खुला रखो. डाइपर जब भी चेंज कर रहे हो तभी उसको बहुत हार्ड प्रेशर के साथ बम का एरिया क्लीन मत करो, बहुत जेंटली सॉफ्ट क्लॉथ से आपको वो एरिया क्लीन करना है ताकि वहाँ पर रैशेस ना हो. यूज़ रेगुलरली डाइपर रैश क्रीम या कोकोनट ऑयल ताकि बम का केयर बहुत सॉफ्टली और जेंटली हो सकता है. नेक्स्ट थिंग, ये मायद्विजा का प्रोडक्ट है, मायद्विजा हर्बल पोटली. ये मेरे हिसाब से आप सबके घर में होना चाहिए. ये मेरा यूज्ड पोटली है, करीब 3 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ. ये जब भी यूज़ में नहीं है तब इसको एयरटाइट बैग में रखती हूँ. इसको आप लोग हॉट पैन, हॉट इस्त्री इसके ऊपर रब करके बच्चे का छाती, पेट, सर, बैक इसको बहुत अच्छे से वार्म करके फिर बच्चे को सुला सकते हो. इसमें बेसिकली 12 दादी माँ के पोटली के हर्ब्स है जो हम लोग कल्चरली इंडियन कल्चर में सुनते आ रहे हैं. इसका स्मेल बहुत अच्छा है. मेरे बच्चों के केस में तो मैं इसको गर्म करके बच्चे के फेस के पास भी रख देती थी तो बच्चा इनहेल करते रहेगा. तो उसका मेजर कंटेंट इस अजवाइन, वेखंड, हल्दी, हिंग, ये सब चीज़ें बेसिकली इसमें जो बच्चे के नेजल पैसेज को क्लियर करवाने में हेल्प करता है. नेक्स्ट थिंग दैट ऑल्सो कैन बी यूज, मायदूजा धूपदानी और मायदूजा धूप पाउडर. बिकॉज अजवाइन का स्मोक कल्चरली कहा गया जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है बच्चों को विंटर सीजन में कंफर्ट करने के लिए. सो आइडियली सुबह और शाम में, याद रखो धुआं करके बच्चे का पूरा कमरा नहीं भरना है, बट इसको आप लोग प्लग इन कर सकते हो. ये पाउडर थोड़ा सा करीब आधा चम्मच, आधा टीस्पून आप लोग इस प्लेट के ऊपर डाल सकते हो और उसका धुआं, उसका स्मोक अगर आप लोग बच्चे के आसपास करते हो
तो ये बच्चे का नेजल पैसेज क्लियर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। इन सारे प्रोडक्ट्स का लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आपको बहुत ईजिली ये सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। और एक चीज़ जो आप लोग बच्चे के लिए यूज़ कर सकते हो, इसी धूपदानी के ऊपर बाजरी का आटा, बाजरी का आटा अगर आप बोला आधा चम्मच डालते हो तो उसके भी स्मोक से बच्चे का नेजल पैसेज और कंजेशन क्लियर होने में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। याद रखो ऑल ऑफ, और ये दोनों चीज़ें हॉट है तो बच्चे के बॉडी के ऊपर या बच्चे के बॉडी के आसपास देने से पहले आप लोगों को ध्यान में रखना है कि चटका नहीं लगे, टेम्परेचर प्लीज़ चेक करो। जो भी चीज़ें हम लोग सजेस्ट कर रहे हैं वो मेडिकल सजेशन नहीं है, दैट लाइक होम रेमेडीज़। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे बच्चे को ठीक नहीं लग रहा है, बच्चा अनईजी है, बच्चा फीड नहीं ले पा रहा है, बच्चा खाना नहीं खा पा रहा, तो याद रखो आपको एक बार आपके डॉक्टर को विजिट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यस, डॉक्टर की दवाइयों के साथ भी आप लोग ये होम रेमेडीज़ कर सकते हो तो उससे बच्चे को काफ़ी हद तक कंफर्ट मिलता है। लास्ट प्रोडक्ट जो आपके घर में होना चाहिए विंटर सीजन में इज़ अ स्टीमर। आई थिंक कोरोना टाइम्स, लॉकडाउन टाइम्स में हम सबके घरों पे स्टीमर्स ऑलमोस्ट आ चुके हैं, तो छोटा सा एक स्टीमर बच्चे को नहलाते वक्त अगर आप लोग बच्चे के बाथरूम में कुछ स्टीम क्रिएट कर सको बाथरूम में और फिर बच्चे को वहाँ पर नहलाओ, तो बच्चा जैसे जैसे वो स्टीम इनहेल करता है तो उसका नेजल पैसेज भी क्लियर रहता है और वो मॉइस्ट स्टीम की वजह से बच्चे को ड्राइनेस भी फील नहीं होता। स्टीमर रूटीनली देने की जरूरत नहीं है, जब भी आपको लगे बच्चा अनईजी है तभी आप लोग वो चीज़ें यूज कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ये कुछ बहुत बेसिक चीज़ें खरीदो, घर के अंदर रखो, बच्चे के लिए यूज़ करो और आपका विंटर और बच्चे का विंटर बहुत ज़्यादा पीसफुल बनाओ। याद रखो ऑल ऑफ, बच्चे को ओवर प्रोटेक्ट करोगे तो बच्चा हर विंटर सीजन में बीमार पड़ेगा। उसे थोड़ा सा अच्छा है, थोड़े से बिंदास्त रहो, ओवर प्रोटेक्ट मत करो, सराउंडिंग का केयर लो, बच्चे को बहुत ज़्यादा ओवर रैप नहीं करना है, बच्चे को एवरीडे सन बाद दो और थोड़ा सा माइल्ड सर्दी जो बहुत तकलीफ नहीं देता उसको बच्चे को एक्सप्लोर करने दो। दरवाजे खिड़कियाँ कॉन्स्टेंटली बंद मत रखो, अ नेचुरल वेंटिलेशन इज अ बेस्ट रेमेडी। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। माय दूजा आपके लिए नए नए वीडियोज लेके आता है, प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी वीनिंग मतलब बच्चे का सॉलिड इंट्रोडक्शन, बेबी केयर एंड न्यू बॉर्न बेबीज, क्वेश्चंस एंड द क्वेरीज दैट लॉट ऑफ पेरेंट्स हैव। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब पक्का करना, बेल आइकन को हिट करना मत भूलना और अपने सारे दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना जिनके घर में छोटे बच्चे हैं और यस उनके यहाँ पे भी विंटर सीजन है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट टाइम, सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो एंड बाय।